ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए फाइनली आज हम लोगों का है सो भूगोल का एग्जाम हो चुका है, तो देर न करके फटाफट मिला लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल दिया गया था, सबसे धासु पेपर आज का होना चाहिए। देर न करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन सा दिया गया था? नॉन निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कहता है, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल आप HDI रिपोर्ट में पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए जानी जाती है? ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठाया है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता था? ऑप्शन नंबर 3 है, आधारभूत उद्योग जाना जाता था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है, फटाफट केवल मिलाते रहिएगा अपना धैर्य बना करके। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? ठीक है, सेवा क्षेत्र आप लोग को बताए थे, सेवा क्षेत्र जो आपका होता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यापार आपका सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस देशों में रेल मार्ग का जाल सबसे सघनतम घनत्व पाया जाता है? रेलवे का पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यानी कि जनेवा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आर्थिक क्रियाओं से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक नगर है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 11 कहता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल आसान सा दिया था, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? भारत में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 31.2% यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है, प्रवास का वे कारण जो विभिन्न स्थानों को लोगों को आकर्षित करते हैं क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आकर्षक कारक। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, मुंबई आपका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, यहाँ पे देखिए दशक पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1960 का दशक। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मक्का आपका रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंगा एवं यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है, हल्दिया तेल शोध कारखाना कहाँ पे अवस्थित था? हल्दिया पूछा था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हमारा किसके लिए? कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसके लिए जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र का है, पता होगा 1964 में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, देखिए अपडेट करके क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है आपका भारत का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है उत्तर से दक्षिण? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो ये बिछाया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुंबई टू ठाणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कोलकाता बंदरगाह स्थित था कहाँ के लिए था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोलकाता हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, धरावी बस्ती कहाँ पे अवस्थित था? ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा का कारण है? तो हमारा वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है,
जोग्राफिया जर्नलिस्ट के किसने के द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बर्नार्ड वारेनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सऊदी अरब, आपका निम्न जनसंख्या लिंगानुपात के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाए जाते हैं, पर्वतीय प्रदेश ऑप्शन नंबर 2 सीढ़ी नुमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, बुशमेन जनजाति समूह कहाँ पाया जाता है, तो ये बिस्मून जनजाति बिल्कुल पढ़ाया था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना DVC, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया था कि DVC स्थित है हमारा किस स्टेट में, तो ये पड़ता है हमारा झारखंड स्टेट के अंतर्गत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, अंतिम है आपका है सो बिटुमिनस किस प्रकार का खनिज का प्रकार है, तो यह आपका है सो कोयला के लिए जाना जाता है। थैंक यू विद्यार्थी, कमेंट कीजिएगा और अपना है सो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जल्द ही पॉलिटिकल का 3 तारीख को प्रकाशित कर दिया जाएगा और इसी तरह बने रहिएगा। आपका कल जो 29 मार्च को एग्जाम है होम साइंस का, कल भी आपको है सो आंसर क्यों डाल दिया जाएगा। थैंक यू।